एक और वाटर क्रॉसिंग। So guys, finally we have reached Pangong Lake और बिस्किट। और आज का प्लान ऐसा है कि हम लोग निकलेंगे लुकुंग, बेसिकली लुकुंग पैंगोंग वही है, सेम प्लेस। और वहाँ से हम लोग क्रॉस करते हुए आएंगे चांगला, और जो कि है अबव 17,000 फीट। और उसके बाद में हम लोग पहुँचेंगे ले। वहाँ से कुछ कस्टमाइज टी शर्ट्स हम लोगों ने ऑर्डर की थी, वो आज हम लोगों को शाम में मिल जाएगी। सो अभी जो है हम लोगों ने इधर वाला पूरा कवर कर लिया, पूरी वैलीज देख ली। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और बाकी सारे ब्लॉग्स भी आ रहे हैं। यहाँ से हम लोगों का जो पैंगोंग लेक तक का जो सफ़र है बहुत अमेजिंग होने वाला है। थोड़ी थोड़ी बीच में वाटर क्रॉसिंग भी है, लेट्स सी कि कैसा होता है। तो ये अपना पैकिंग वैकिंग हो चुका है, बस ऑलमोस्ट फिनिश कर रहे हैं। और सनराइज बहुत ब्राइट है, उधर से देखोगे तो आपको बिस्किट मॉनेस्ट्री दिख रही होगी वहाँ पर। और चाय वाय हम लोग पी चुके हैं, अभी निकलेंगे सीधा ब्रेकफास्ट करेंगे। तो ये आ चुका है अपना ब्रेकफास्ट, ब्रेड ऑमलेट, इसको अभी खाएंगे, उसके बाद में सीधा धूम मचाएंगे। सो गाइस, अभी हम लोग रुके हुए थे यहाँ पे सनराइज गेस्ट हाउस में। ये है मानसिंह जी अपने, और बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके। यहाँ पे आ रहे हो कभी भी यहीं पे रुकना, यहाँ से सीधा बिस्किट मॉनेस्ट्री का व्यू आता है पूरा यहाँ से, तो काफ़ी अच्छा स्टे था। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। सो आज का जर्नी हम लोग शुरू कर चुके हैं बिस्किट से लेकर लुकुंग। और यहाँ पर देखो, मतलब मैंने ऐसी जगह पर सैंड ड्यून्स नहीं एक्सपेक्ट किया था। अगर सैंड ड्यून्स वाला आपने अगर पिछला व्लॉग नहीं देखा है देन यू कैन वॉच इट फ्रॉम द आई नोटिफिकेशन कमिंग राइट नाउ। और काफ़ी सारी जो स्टोरीज हैं और पोस्ट हैं वो इंस्टाग्राम पर मैं डालते रहता हूँ, सो डू वॉच इट ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी विच इज़ विकेट राइडर ऑफिशियल। और यहाँ से पूरा शुरू होता है सैंड ड्यून्स, मतलब काइंड ऑफ एटीवी राइड यहाँ पे, अगर आप लोगों को लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा। यहाँ पे जो एक विलेज आता है खालसर, खालसर से जो राइट मोड़ जाते हैं उधर दोबारा खारदुंगला वाला एरिया मिल जाता है। हम लोग अगमे से लेफ्ट लेंगे जिससे कि अपने को मिल जाएगा रास्ता पैंगोंग का। पैंगोंग के लिए राइट, पैंगोंग के लिए लेफ्ट। तो जो ये ऊपर वाला जा रहा है ये खारदुंगला चला जाएगा, और हम लोगों ने जाना है स्ट्रेट। यहाँ से देखो अगम श्योक शक्ति पैंगोंग, ये रास्ता जो है थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि यहाँ पे आसपास में कुछ डिवाइडर नहीं। और कल ये एक्चुअली तूफान की वजह से हुआ है, कल पूरा तूफान आया था, और हाँ कल रात में तूफान आया था। तो इधर पे थोड़ा सा देख के आराम से चलते रहो, स्पीड मेंटेन रखो 40 to 50, जिसमें कि गाड़ी आराम से कंट्रोल हो जाती है। तो अभी जो टोटल डिस्टेंस यहाँ से लुकुंग का दिखा रहा है दैट इज़ 130। तो यहाँ से है छोटा सा वाटर क्रॉसिंग जहाँ से अपने को निकलना है। आराम से निकल गई, वो जो बैग बांधने के लिए है तो वो राजेश भाई का निकल गया, अभी बांधेंगे सही से वरना एक्सीडेंट हो सकता है। भाई ये सारी चीज़ें चेक करते रहो जहाँ पे भी ब्रेक ले रहे हो, क्योंकि बहुत रिस्की हो जाता है ये। देखो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा देख के निकालना पड़ेगा क्योंकि पत्थर है, पानी है। इधर से किस साइड से निकले, चलो निकल गई। छोटा मोटा ऑफ रोडिंग चलता रहेगा बीच बीच में, इसलिए 150 किलोमीटर के लिए 4 घंटा दिखा रहा है। क्या बात है राजेश भाई, पानी उड़ाते हुए पूरा, और अपन लोग बैग खराब करते हुए पूरा। ब्रिज धुम 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 धुम। यहाँ का रास्ता कुछ ऐसा ही है, घूमा फिरा, पहले ऊपर चढ़ रहे हैं फिर नीचे जा रहे हैं, फिर ऊपर चढ़ रहे हैं फिर नीचे जा रहे हैं।
फाइनली अपने को सीधी रोड मिल गई है। तो जो रिवर चल रही है अपने साथ में, दिस इज़ श्योक रिवर, और श्योक रिवर ही अपने को आगे तक मिलेगी। हम लोग पहुंच चुके हैं अगम, और यहाँ पे छोटा मोटा मिल जाता है खाने पीने का जगह। बट ये देखो यहाँ से भी पूरा पानी आके मिक्स हो रहा है शक्ति पैंगोंग। तो दुर्बुक श्योक, और यहाँ से दो चले जाते हैं, और पैंगोंग लेक जो है इस साइड में पड़ती है। हम लोगों का एक चीज़ अच्छा हो गया कि हम लोग जैसे कि पैंगोंग नहीं रुक रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्ट लेह का जो होटल का खर्चा है वो देंगे। पैंगोंग में जो होटल है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है जस्ट बिकॉज ऑफ द व्यू, थोड़ा सा ही है। ऑफ रोडिंग जो क्रैश मिल जाता है जो ख़राब है यहाँ पे, इधर थोड़ा सा देख के निकालना है क्योंकि पत्थर जो है ना बहुत शार्प रहते हैं और वो कट कर सकते हैं आपका टायर को। उनको मिला है धूल वाला पैच, और यहाँ पे ओह माय गॉड, हो निकल निकल जाएगी निकल जाएगी। लिटरली मेरे आरा थिएटर का एक्सट्रीम्स में टेस्ट कर दिया। ऑल विल वेट बेटर बी लेट, सही बात है, सब कुछ इंतज़ार कर लेगा। शो यहाँ से दिखा रहा है 20 किलोमीटर्स, और दुर्बुक दिखा रहा है 38 किलोमीटर्स। एक और ऑफ रोडिंग पैच जहाँ पे बिल्कुल ही रोड नहीं है, थोड़ा सा देख के चलाऊंगा यहाँ पे मैं। एक्चुअली जो रिवर क्रॉसिंग वो बोल रहे हैं ना, वो यही वाली है, ऐसे ही पत्थर है। तो दिस इज स्टिल देयर, मे बी जल्दी बन जाए रोड यहाँ पे, बट अभी के लिए तो अपने को ऐसे ही क्रॉस करना पड़ेगा। एक्चुअली रिवर क्रॉसिंग भी नहीं है, राइट साइड से एक स्ट्रीम आ रही है उसको, मतलब वो इधर पे पानी में मिलती जाके, और यहाँ पे तो बिल्कुल नदी सूखी हुई है। धीरे धीरे आगे आगे जितना मतलब टुवर्ड्स थांग नुब्रा वैली की तरफ बढ़ती जाती है ये वाली श्योक रिवर, वो उतना ही ज़्यादा उसमें पानी ऐड होता जाता है। अब यहाँ से थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकता है निकालने में, क्योंकि इधर पे पूरा ही पानी है, और यहाँ पे एक्चुअली रोड का ऐसा सीन है कि रोड टिक भी नहीं पाएगी क्योंकि पानी भरा रहता, तो रोड बनाना इज़ बट डिफ़िकल्ट। फिर लग रहा है कि कहाँ पे कितना गहरा गड्ढा है। ओह शिट, निकल गया, जूते में तो पानी चला गया यार, शिट। यहाँ रिवर क्रॉसिंग है, इधर से तो अच्छा खासा स्ट्रीम आ रहा है पानी का। क्रॉस्ड, एक और वाटर क्रॉसिंग, ये तो छुटकी सी है, निकल जाएगी आराम से। थोड़े से टैक्सी वाले आसपास में चलते ना, डर लगता है। ये फिर ऑफ रोडिंग आ गया है, इतना ऑफ रोडिंग है यहाँ पे। यहाँ से दुर्बुक रह गया 13 किलोमीटर, अलग अलग लेवल की पहाड़ी। यहाँ पे जो स्लोप है ना काफ़ी, मतलब अचानक से हाइट नीचे गई हुई है, तो पत्थर मिट्टी हाँ सब पड़ा हुआ है, तो उसके चक्कर में थोड़ा सा रिस्की है, बट ड्राइव स्लो। देखो मैं भी स्पीड रखा हूँ ऐसी 30-35। हो क्या मस्त पानी मेरा भाई, एक बार अभी कहीं पहुंच जाना बीच में, मुंह धोना बस से ठंडा ठंडा पानी से, मज़ा आ जाएगा। तो दिस इज़ दुर्बुक, और यहाँ से ऊपर जाएंगे तो चांगला पड़ जाएगा। और यहाँ से हो जाता है पैंगोंग का रास्ता शुरू,
और ये पूरी रॉयल एनफील्ड की गैंग यहाँ जाती हुई। सो अभी हम लोग थोड़ा सा चाय के लिए रुके हुए थे और इसके बाद में यहाँ से 38 किलोमीटर रह गया पैंगोंग लेक। वेलकम टू लुकुंग। हम लोगों को जाना है लेफ्ट और इधर से राइट जो रास्ता जा रहा था वो जा रहा था तांगस्ते विलेज। अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे। ये देखो पूरा ग्रीनलैंड है, आसपास की पहाड़ी देखो, अनएक्सपेक्टेड सी जगह लगती है। यहाँ पे घोड़े पूरा घास वास चर रहे हैं। ऊपर देखो ये पहाड़ी पे जो बर्फ दिख रही है अपने को, ये कब से दिख रही थी और अपन लोग बस इस पहाड़ी को देख के चलते चले आ रहे हैं। तो अभी भाई का इधर पे ये बुलेट ख़राब हो गया था, पीछे जो खड़े हुए उनका थोड़ा सा हेल्प करने का ट्राई किया बट कुछ फ्यूल इंजेक्टर में इशू लग रहा है, तो ज़्यादा तो मेरी तरफ से भी हेल्प नहीं हो पाएगा, जितना हो सकता था किया। अभी देखते हैं, उनसे बोला है थोड़ा सा पीछे लुकुंग साइड में चले जाएँ और वहाँ से हेल्प ले लें। रायगढ़ पहाड़ी एरिया में थोड़ा सा अभी कुछ कर दो, पूरा सांस फूल जाता है। तो हिमांग वेलकम्स यू एट पैंगोंग लेक और हम लोगों को वहाँ से सामने दिख रही है पैंगोंग लेक। वाओ, यहाँ पे तो एक फ़ोटो बनता है। देखो पैंगोंग लेक वहाँ पे दिख रही है जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, और जो बोर्ड लगा हुआ है फर्स्ट व्यू ऑफ पैंगोंग लेक वहाँ से 4 किलोमीटर है। फाइनली वी हैव रीच पैंगोंग लेक और यहाँ पे नीचे देख सकते हो पैंगोंग लेक है, पैंगोत्सो TSO। तो TSO मतलब लेक और हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं। ये जो लेक है 134 किलोमीटर लंबी है और 40% इंडिया के पास है, 60% चाइना के पास है। क्या अलग लेवल का वो आ रहा है, कैन सी यार, क्या ब्लू पानी दिख रहा है एकदम। सही बात है, 134 किलोमीटर ऐसी लेक है, तो टेंशन नहीं है अपने को, आगे भी बढ़ते चले जाओगे तो भी बहुत अच्छा है। ये है व्यू पॉइंट। अरे बोल रहा है स्कूटर लगा है। ये है, ये रहा स्कूटर वाला पॉइंट। अरे यहाँ तो बहुत सारे पॉइंट लगा दिए ऐसे सेम से, क्या बात है। सो ये जो लेक है ये है 14,000 फीट पे, 14,000 कुछ ऊपर फीट पे। अपने को बाइक वाइक पार्क करनी पड़ेगी यहाँ पे। लुक एट दिस, वाओ। सो यहाँ पे जो स्कूटर और स्कूटी बुलेट और ये जो 3 idiots वाला जो मेन जो 3 bumps बने हुए हैं ना, मतलब क्या बोलोगे अब उसको, तो ये वाले का चार्जेस होता है। जो ये 3 जनों का है, मतलब 3 लोग बैठते हैं वो सीट टाइप सी जो बनी हुई है, उसका 100 rupees है और जो स्कूटर है उसका 50 rupees है। तो बट अच्छा लग रहा और काफ़ी अच्छा है यहाँ का नज़ारा आसपास में। सो गाइस फाइनली वी हैव रीच पैंगोंग लेक और यहाँ देख सकते हो आप कैसा नज़ारा है, बहुत ही अमेजिंग लेक है यहाँ पे। पूरा ब्लू पानी हो रखा है यहाँ पे, बहुत गजब वाला फीलिंग है। ये जो लेक है
ये 134 किलोमीटर्स की है, उसमें से 40% इंडिया के पास में है और 60% चाइना के पास में है। और आसपास का व्यू आप देख सकते हो, उधर पे ग्लेशियर, इधर पे सूखे पहाड़। तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत फोटोशूट किया और अल्टीमेट मज़ा आ गया। थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो गया। नाउ वी हैव टू कवर 130 to 140 किलोमीटर्स टू रीच ले। तो आज का व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया, तो इसके लिए जो नेक्स्ट वाला है पार्ट वो देखना। एंड हम लोगों का पैंगोंग से लेके ले तक की जर्नी देखो। और अगर आप लोगों को अभी तक का व्लॉग पसंद आया, डू लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाकी जो फोटोज़ हैं वो आप लोगों को इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। इंस्टाग्राम आईडी इज विकेट राइडर ऑफिशियल। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।